वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, अजम्पशंस के बारे में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जिसमें हमने आईसी एंड एनालिसिस के ऊपर पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व के बारे में और इंडिफरेंस सेट के बारे में। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व को जानने से पहले आप मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता होगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस सेट क्या है, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व नहीं कर सकते, हमें अच्छे से समझ में वो नहीं आएगा। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व का इंडिफरेंस कर्व का जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, आईसी। ठीक है, तो हम इसे बार बार इंडिफरेंस कर्व ना बोलकर हम इसे क्या बोल देंगे, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। आईसी का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है, या हम यह कह सकते हैं कि इसका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, आईसी इट हैज अ नेगेटिव स्लोप। अब आईसी का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, या हम ये कहें नेगेटिव होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि दैट इट इंप्लाइज दैट द कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर ऑफ वन गुड तो ही हैज लेस टू अदर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर कंज्यूमर यह डिसाइड करता है, अगर उसके पास टू गुड्स हैं और अगर वो यह डिसाइड करता है कि उसे एक गुड के कंजप्शन को बढ़ाना है, तो उसे क्या करना होगा, अपने दूसरे गुड का जो कंजप्शन होगा उसे अपने दूसरे गुड के कंजप्शन को क्या करना होगा, कम करना होगा, तभी आईसी का जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा और उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा वो भी एकदम सही होगा, उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल जो होगा वो हाई होगा। तो उसे क्या करना होगा, अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए उसे एक गुड को के कंजप्शन को क्या करना होगा, कम करना होगा। इसलिए आईसी का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मोर गुड प्रोवाइड्स मोर सेटिस्फेक्शन, कि जितना ज्यादा वो गुड का कंजप्शन करेगा उतना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसको सेटिस्फेक्शन लेवल जो होगा उसका बढ़ेगा। इसे हम एक डायग्राम से देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रहा होगा, आईसी स्लोप डाउनवर्ड, इट शोज अ नेगेटिव स्लोप, जिसमें आपको ओ एक्सिस पर दिख रहे होंगे मैंगोस और ओ वाई पर दिख रहे होंगे आपको ऑरेंजेस। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि जब हमने एप्पल का कंजप्शन 2 किया तो ऑरेंजेस का कितना किया, 5, और ऑरेंजेस का जब 3 किया तो एप्पल का भी कितना किया, एप्पल का भी हमने 3 किया। तो ये किसको दिखाएगा, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाएगा, किसके, कंज्यूमर के, जो दिखाता है कि आईसी का स्लोप कैसा है, हमारा डाउनवर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें पॉइंट, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब जो आईसी स्लोप होता है वो कैसा होता है, हमारा आईसी स्लोप हमारा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन से कन्वेक्स होता है, क्यों कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि आईसी का जो स्लोप होता है वो डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, इसलिए इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है और डिक्लाइन होता है। अब स्लोप ऑफ आईसी डिक्लाइन, अब आईसी का जो स्लोप है वो डिक्लाइन हो रहा है, क्यों, बिकॉज द रेट विच कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन कमोडिटी फॉर अदर टेंड्स टू डिक्लाइन। देखो मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, कंज्यूमर किसको लेकर चलता है, सब्सटीट्यूट गुड्स को लेकर चलता है, तो उसके पास सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, तो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं तो वो क्या करेगा, अपने एक के कंजप्शन को बढ़ाने के लिए, अपने एक गुड के सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, दूसरे का कंजप्शन कम कर देगा। क्यों, क्योंकि उसके पास गुड तो सब्सटीट्यूट है, अगर वो यह देखेगा कि एक की प्राइस बढ़ रही है तो वो उसको छोड़ देगा और दूसरे का कंजप्शन बढ़ाएगा। तो इस तरह से इसलिए आईसी का जो स्लोप होता है वो डिक्लाइन इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर जो है वो सब्सटीट्यूट गुड्स का कंजप्शन कर रहा है, एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए वो दूसरी कमोडिटी को क्या कर देगा, डिक्लाइन कर देगा, और उसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहा जाता है, MRS कहा जाता है। आईसी कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्यों, क्योंकि MRS जो होती है उसकी डिक्लाइन होती है, MRS टेंड्स टू डिक्लाइन, जो मार्जिनल रेट होता है सब्सटीट्यूशन का वो डिक्लाइन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब वो एक गुड के कंजप्शन को बढ़ा रहा है
अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए, तो दूसरे गुड के कंजप्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों कम कर देगा? क्योंकि उसके पास जो गुड्स है वो कैसे हैं, सब्स्टिट्यूट है। कई बार क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जब हम पीपीसी कर्व की बात करते हैं ना, तो उसमें तो हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के बारे में, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, क्योंकि वो किस गुड का यूज कर रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि इंडिफरेंस कर्व में सब्स्टिट्यूशन की बात आती है, इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसे भी हम एक डायग्राम से शो कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास डायग्राम शो हो रहा है एमआरएस का, ठीक है ना। तो एमआरएस का जो डायग्राम है वो क्या दिखाता है, देखो एमआरएस का जो डायग्राम है उससे पहले हम यह देख लेंगे कि वाई शुड एमआरएस डिक्लाइन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि एमआरएस जो होता है वो डिक्लाइन क्यों होता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट पॉइंट सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास टू गुड्स हैं, गुड एक्स गुड वाई, दोनों गुड्स हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अब फर्स्ट अब आप देखिए कि जो वो ज्यादा से ज्यादा गुड एक्स का कंजप्शन करेगा, ज्यादा ज्यादा जब वो गुड एक्स की यूनिट को कंज्यूम करेगा, तो क्या होगा, गुड एक्स की जो इंटेंसिटी होगी ना उसकी डिजायर करने की, वो कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे वो ज्यादा ज्यादा गुड एक्स का कंजप्शन करेगा, कंज्यूम करेगा, तो जो इंटेंसिटी होगी गुड एक्स को डिजायर करने की वो कैसी हो जाएगी, उसकी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है तो मार्जिनल जो यूटिलिटी होगी गुड एक्स की वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। ये किसको दिखाता है, हम पहले पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, ठीक है। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड, अगर वो ज्यादा से ज्यादा गुड वाई को, अगर वो ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लो वो गुड वाई को डिजायर कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा अगर वो गुड वाई का कंजप्शन करेगा, तो गुड वाई की क्या होगी, उसके लिए जो उसकी डिजायर होगी वो गुड वाई की कम हो जाएगी, ठीक है ना। या फिर हम ये कहें कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा अगर वो गुड वाई का कम कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मान लो अगर वो गुड वाई का जो यूज कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, वो कम कर रहा है, तो अब गुड वाई को लेकर जो उसकी इंटेंसिटी है ना, वो उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर वो किसी गुड का कंजप्शन ज्यादा करेगा तो उसकी डिजायर उसके लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वो कंजप्शन कम करेगा तो उसकी डिजायर उसके लिए बढ़ जाएगी, ठीक है। ये दिखाता है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसलिए एमआरएस जो होती है अपनी डिक्लाइन होनी शुरू हो, तो फिर वो क्या करता है, उसकी एडिशनल यूनिट का यूज करेगा, ठीक है, और इस तरह से जो हमारी एमआरएस होगी वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपको पता है कि आईसी कर्व जो होता है, जितना आईसी कर्व जो होगा हाई लेवल पर जाएगा उतना ही वो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा, जितना आईसी कर्व नीचे की तरफ आएगा उतना वो लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। अब यह भी आपको स्क्रीन पर अपने शो हो रहा होगा एक डायग्राम जिसमें गुड एक्स दे रखा है, गुड वाई। अब आईसी वन जब हमारे पास था तो उसने क्या किया, गुड वाई हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो ओएल उसने क्या किया, गुड एक्स का कंजप्शन किया, तब अपने पास आईसी वन था आर पॉइंट पर। अब जैसे उसने गुड एक्स के कंजप्शन को बढ़ाया, गुड वाई का अपना कॉन्स्टेंट है, गुड वाई का नहीं बढ़ा, जैसे ही उसने गुड एक्स का कंजप्शन एल से एल वन किया, तो वैसे ही उसका आईसी जो कर्व है, आईसी जो वक्र है, वो भी उसका हाई लेवल पर चला गया, आईसी वन से आईसी टू चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हाई लेवल जो होगा आईसी कर्व का वो दिखाएगा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट आता है आईसी डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसी कर्व जो होता है वो ना तो एक दूसरे को टच करेगा और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देखिए, अब आपके पास एक आईसी वन कर दिया हुआ है और एक आईसी टू कर दिया हुआ है। अब आईसी वन कर देखो, आईसी वन कर के ऊपर ए और बी जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो सेम आईसी वन पर है, इसका मतलब ए इक्वल है बी के। ए पॉइंट और सी पॉइंट आईसी टू पर दे रखे हैं, ए इक्वल है सी के, लेकिन जो बी पॉइंट है वो सी पॉइंट के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग आईसी कर्व के ऊपर दे रखे हैं, और जब अलग अलग आईसी कर्व के ऊपर होंगे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारे पास नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा होगा हमारा, डिफरेंट होगा। इस वजह से जो हमारा आईसी कर्व होगा वो ना तो टच करेगा और ना ही एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आईसी कर्व जो होते हैं वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को। आपकी स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रहा होगा एक्स का भी और वाई का भी। देखिए एक्स एक्सिस की जब हम बात करेंगे तो कहता है ये कि अगर मान लीजिए अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब ये है कि गुड वाई का जो कंजप्शन है वो जीरो है। मतलब अगर मान लो वो एक्स को टच कर रहा है तो गुड वाई का कंजप्शन जीरो होगा,
और अगर वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब एक्स का कंजप्शन जो होगा जीरो होगा। लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आईसी कर्व ना तो एक्स को टच करेगा ना ही वो वाई को टच करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज इन डिफरेंस कर्व की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।